तो क्या सलमान खान की सिकंदर के बाद द बुल मूवी आएगी या नहीं आएगी, द बुल मूवी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके बारे में रूमर्स या फिर रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी ने कहा है कि सच में वो सलमान खान के साथ काम करें और उनको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। तो द बुल मूवी बनने वाली थी मालदीव्स के बेसिस के ऊपर, लेकिन कुछ रीज़न, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से इसको डिले करके ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया गया। अब फाइनली बनेगी या नहीं बनेगी ये सवाल आता है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, विष्णुवर्धन जी जो कि डायरेक्टर है और धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सलमान खान लीड में देखने को मिलेंगे। इनके अपोजिट में एक्ट्रेसेस फाइनलाइज भी होने वाले थे या फिर हो चुके थे, लेकिन आपको बता दें द बुल मूवी बनेगी, अब वही टाइटल नेम रहेगा। साथ साथ इस मूवी की जो स्टोरी है या फिर बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस करने वाले इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन विष्णुवर्धन जी जो कि डायरेक्टर है वो जरूर सलमान भाई के साथ द बुल मूवी बनाएंगे। अब वो वही टाइटल होता है या दूसरा टाइटल होता है ये देखने लायक रहेगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त चेंज के बाद वापसी कर रहे और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे अनाउंसमेंट हो गया। और सलमान भाई के अपकमिंग जो लाइनअप है बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि सिकंदर है, सिकंदर के बाद द बुल हो सकती है, उसके बाद एटली कुमार के साथ भी है, और उसके बाद सलमान खान और कमल हसन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने लायक है। टाइगर वर्सेस पठान बहुत सारे मूवीज है, विष्णुवर्धन जी और सलमान खान दोनों मूवी, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा करण जौहर जी के प्रोडक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स कितने हो आप एक्साइटेड द बुल मूवी को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।